हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आपने नूडल्स तो बहुत खाए होंगे, सूप के, नॉर के, मैगी जिसे बॉईल करके उसमें टेस्ट मेकर मिला के। पर कभी आपने नूडल्स में बॉइल्ड एग का कॉम्बिनेशन ट्राई किया है? नहीं किया तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट है। पहले हम नूडल्स बॉयल करेंगे। नूडल्स बॉयल करने के लिए मैंने एक पतीली ली है, उसमें मैं 2 कप के करीब पानी ऐड करूंगी। उसके बाद हम इसमें अपने नूडल्स ऐड कर देंगे। नूडल्स मैंने 3 पैकेट लिए हुए हैं। नूडल्स को इस तरह से क्रश करने के बाद हम इसे बॉईल करेंगे। नूडल हार्डली 5 मिनट के अंदर बॉईल हो जाते हैं। जैसे ही नूडल्स बॉईल होंगे सारा पानी हम ड्रेन आउट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो जी जनाब, सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे। उसके बाद हम पतीली में 1.5 से 2 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने प्याज 1 अदद के करीब ली है। उसे इस तरह से फाइन चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है। उसके बाद हम इसमें 1 हरी मिर्च को ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा मिर्च ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कॉर्न ऐड करेंगे। कॉर्न ऐड करने के बाद हम इसमें मटर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम सॉटे कर लेंगे। स्पाइस का लेवल आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा हरी मिर्च और दूसरे स्पाइस ऐड करें। इसके बाद हम इसमें अपना टेस्ट मेकर ऐड करेंगे। टेस्ट मेकर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स का शुमार भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें टोमेटो ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कैरेट ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब हम इसके बाद लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद हम धना पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद हम हल्दी चुटकी भर ऐड करेंगे। उसके बाद हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। उसके बाद हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले की क्वांटिटी मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब रखी हुई है। अब हम इसके बाद अपने बॉयल नूडल ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक मैं इसमें एंड में ऐड करूँगी क्योंकि हमारे जो पीस मेकर होते हैं उसमें भी नमक ऐड होते हैं। अब हम इसके बाद काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इस पर कैचअप ऐड करूँगी। कैचअप से टेस्ट बहुत ही अच्छा इन्हेंस होता है। अब इसे वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से नूडल्स बनाइएगा। मैगी, नॉर, सूप, कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अब हम इसके बाद नमक इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, मुझे नमक की थोड़ी कमी लगी। अब हरा धनिया से हम गार्निश कर लेंगे। अब हम इसमें बॉयल एग ऐड करेंगे क्योंकि यही तो हमारा गेम चेंजर है। बॉयल्ड एग का जो टेस्ट आता है नूडल्स में, जब हम नूडल्स को खाते हैं तो ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा आता है। मैंने 2 बॉयल्ड एग लिए हुए। अगर आपको बॉयल्ड एग ज़्यादा पसंद है तो आप 3 अदद के करीब भी ले सकते हैं। ये तो अपनी चॉइस पे टोटली डिपेंड करता है, स्पाइस का लेवल, वेजिटेबल्स का शुमार। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी ज़बरदस्त बॉयल्ड नूडल्स, बॉयल्ड मैगी तैयार हो गई है। अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं अपने स्टाइल में।